अभी आंटी कितने सालों से देख रहा हूँ मैं इसको। सबसे पुरानी तो अभी हम जा रहे हैं जटाशंकर। ये जो प्लेस है वो मेन मार्केट जो है पचमढ़ी का, वहाँ से कुछ 3-4 किलोमीटर के अंदर ही आता है और ऐसा कहता है कि तुम पैदल भी जाके आ सकते हो वहाँ पे। सो लेट्स सी क्या क्या देखने मिलता है वहाँ पे। तो ये मार्केट से एक थोड़ा बाहर आए और लेफ्ट जाके पहले ये मंदिर लगेगा आपको। इफ यू आर कमिंग हियर तो इसके लिए बता दे रहा हूँ। क्या उखाड़ के रखे आई थिंक थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। तो ये है पार्किंग एरिया। यहाँ पे अगर आप आते हो तो आपको खिलौने बहुत दिखेंगे, किचन्स दिखेंगी, खाने की चीज़ें दिखेंगी और कुछ जड़ी बूटी। पूरा पत्थर है। यहाँ पे एक मंदिर है, ठीक है, तो ये भी मंदिर में जाएंगे अपन। तो ये कुछ जगह है, यहाँ पे पूरी खाई है, यहाँ पे पानी बहता रहता है बारिश में। आपने देखा होगा अपन लोग अपने हिंदू धर्म में सबसे पहले क्या गणेश भगवान की पूजा करते हैं, है ना। सामने में एक झंडा देखा रेड कलर का, उसके बाजू में देखो राइट साइड में एक सिंगल चट्टान फंसी है जिसमें एक गोल सा होल बना। इस साइड से देखिए आप बाजू से, वहीं से देखिए तो गणपति जी की मूर्ति देख ली आपने। कितने सालों से देख रहा हूँ मैं इसको। ये जो अपन अम्मा को गाना गाते देख रहे हैं ना, आपने शायद देखा होगा पहले, महाराष्ट्र की रहने वाली चंद्रकांत उनको पचमढ़ी में 50 साल हो गया ओम नमः शिवाय जाप करते। ये सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का ऐसी जाप करते, तो शाम के समय अपने घर चले गए। ये वाले अपन जो पर्वत जो देख रहे हैं ये सैंड का बालू रेती का ना, इनके बीच में छोटे वाले अपन जो स्टोन लगे देख रहे ये सेडिमेंटरी रॉक्स है। ये सबसे ज्यादा आपको नदी या पानी के इलाके में देखने के लिए मिलेगा। तो इससे देख के अपन को ऐसा पता लगता है लाखों वर्ष पहले तभी ये पानी या नदी के बीच में डूबा होगा। ये पूरा वाटर लेवल बताता है। जब आप म्यूजियम जाओगे ना दूर दूर तो इसकी फोटो आपको वहाँ देखने मिलेगी। तो चकमक पत्थर के नाम से ये वाला रास्ता देख रहे हैं पहाड़ के ऊपर जा रहा है, ये आदिवासी लोगों का रास्ता है। जंगल के बीच में गांव था बदकसार, देवी का खाली हो चुका है। पचमढ़ी में ये हर्बल की शॉप देखते सर आदिवासी लोगों से बुलवाए जाते हैं, कच्ची दवाई लाते हैं, लोकल दुकानदारों को देके चले जाते हैं। लकड़ी के जो गट्ठे उन लोग क्या मार्केट में वगैरह में बेचेंगे, जो भी पेशे वगैरह मिलेंगे अनाज खरीदेंगे, अपने गाँव जाते हैं। पहाड़ी इलाका लोग यहाँ पर क्या खेती किसानी नहीं कर सकते, उन लोग को जड़ी बूटी लकड़ी गट्ठों का डर। अभी भी रहते अभी भी रहते पहले की आदिवासी अपन को देखने के लिए नहीं मिली है, जनजाति खत्म हो चुकी है। अभी अपने जैसे गांव की भाषा बोलते रोटी कोटे वगैरह कहते हैं डेली का ब्लॉग करके आते हैं। तो हम लोग चप्पल वगैरह निकाल के वी आर अगेन गोइंग डाउन और अभी भैया हमें इस जगह के बारे में और चीज़ें बताएंगे। जहाँ अपन खड़े का 10-12 दिन बारिश हुआ तो इस लेवल से मंदिर यहाँ तक डूबा रहता है। जब ये पूरा पानी जंगल के रास्ते से निकल जाता है फिर इसके दर्शन होते हैं, ये तो यहीं से दर्शन करके अपन को वापस जाना पड़ता है। तो अभी क्या हो रहा है, हम लोग ये डीपर इनसाइड जा रहे हैं। सीन कुछ ऐसे है, पूरे 2 पत्थरों के बीच के अंदर जो गैप है वहाँ पे जा रहे हैं।
क्या है यहाँ पे, इट्स मैड। सो नाउ वी आर अबाउट टू इंटर जटाशंकर गुफा और यहाँ पे जाना है। सो इट्स लाइक अ केव व्हिच हैज दिस वेल। जिस पर्वत के नीचे अपन खड़े ना, शेषनाग का जो फन का शेव होता है ऊपर, देखो भी अपन फन के नीचे। ये मगरमच्छ बना हुआ है, ये 15 से 18 सामने का फेस मिलता है, लास्ट का फेस मगरमच्छ के पूंछ का है। आपने देखा मगर के ऊपर में कांटे होते हैं, इसको बोले को छोटे छोटे भगवान शंकर के शिवलिंग बने, है ना। मैंने आपको बताया पचमढ़ी में जहाँ जहाँ भगवान शंकर भस्मासुर दानों से बचने कारण छुपे, वहाँ वहाँ इनके टेम्पल बनते हैं। बताते सबसे पहले भगवान शंकर अपना कैलाश पर्वत छोड़े कहाँ पर आए, जिस टेम्पल अपन लोग खड़े हुए, तो उन्हें भस्मासुर से बचने का मगरमच्छ का रूप लिया, जैसे पत्थर का मगरमच्छ बना, छोटे छोटे शिवलिंग उनके कुदरती प्रकट हो गए। बताते जब भस्मासुर यहाँ पर आया उनके सिर को ऊपर हाथ रखा मारने के लिए, तो भगवान शंकर ने शेषनाग का रूप लिया, जिससे भस्मासुर उनको नहीं मार पाया। मेन मंदिर नीचे शेषनाग का ना, बाद में उन्होंने अपना रूप बदला जिससे भस्मासुर उनको नहीं पहचान पाए, तो जो अपनी सर की जटा है यहीं पर छोड़ दी। उन्होंने बाद में अपनी विशाल जटाओं को त्याग किया। जटा यानी क्या, बाल। जहाँ जहाँ की जटा ऐसी जमीनों में गिरती गई, शिवलिंग के रूप में सर मार्बल की बनती गई, तो उन्हीं जटाओं से इस मंदिर का नाम पड़ा जटा शंकर। नीचे अपन शिव जी की जटाएं देखेंगे, साल में एक बार 1 इंच बढ़ते जाती मार्बल की। मेन टेम्पल शेषनाग है, तो ना भाई ये ऐसे यहाँ पे झुक के आना पड़ता है, खड़े होके आप आ नहीं सकते। और यहाँ पे नीचे थोड़े थोड़े भगवान पानी कम पड़ता है, यहाँ पे पानी कंटिन्यूस फ्लो करता है, जो पता नहीं चलेगा। और एक ये चीज़ है जो सब लोग देखने आते हैं, दो पहाड़ों के बीच में एक पत्थर लटका हुआ है, बहुत सालों से लटका हुआ है। कभी मंदिर हो गया, अभी दूसरे साइड में जा रहा है। जब अब बारिश का सीजन होता है तो ये पूरा भर जाता है, तब यात्रियों को आने नहीं देते, बट अभी पानी नहीं है, जो पानी है वो पूरा इस रास्ते से निकल जाता है। और इस साइड के बारे में भी कुछ बताएंगे भैया। ये पुराना मार्ग था, बंद हो गया 1929 का, सीढ़ी नहीं थी तो यहाँ से आते। मैंने आपको अशोका मूवी का जो बताया था, वहाँ से 7 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करते, जो मेले में यात्रा भर आती है, जिन यात्रियों को पुरानों को रास्ता पता, तो आज भी आते हैं। 3 पिकनिक स्पॉट है, जम्मू द्वीप टाइनापिल, एक शिव जी का टेम्पल पड़ता है छोटे महादेव, उसके बाद जटाशंकर मंदिर के दर्शन होते हैं। डू लेट मी नो कि ये व्लॉग आपको इन्फॉर्मेटिव लगा नहीं लगा, व्हाट इज योर थॉट्स ऑन दिस। बाकी जो जगह है तो इट्स लाइक दो अलग अलग पहाड़ हैं, सो वी विल बी गोइंग फ्रॉम दिस साइड। अभी अंधेरा हो रहा है, बट और एक जगह है जहाँ पे हम एक पत्थर देखने वाले हैं जो पानी पे तैरता है। जय बजरंग बले। सो ये है राम सेतु वाले दरबार, हाँ तो खाली चाहे ये पानी पे तैरता है। हम भारी का? ये भारी नहीं है। और एक गुफा, शांति से जाइए आगे, भ्रम से मुक्त करते हैं। दिस इज द लास्ट लाइट दैट आई एम गेटिंग इन दिस मंदिर आफ्टर सीइंग दोज फ्लोटिंग स्टोन्स। विद दिस वी आर अबाउट टू एंड दिस वीडियो, सो इफ यू लाइक दिस वीडियो अप टिल नाउ डू लाइक शेयर एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियोज में लाता रहूंगा। या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।